नतीजों के बाद अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश मुख्यालय में खड़ा हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, कार्यकर्ताओं की कमी नजर आ रही है, बल्कि कमी क्या, बिल्कुल देखिए सन्नाटा है। इक्के दुक्के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी हैं, हम उनसे बातें करते हैं। प्रदीप जी, जाहिर है उदासी का माहौल है, क्या आप लोग इसके लिए तैयार थे? एग्जिट पोल के नतीजे भी यही कह रहे थे। देखिए एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो अपना काम करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता सहित, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो और जो केंद्रीय नेता हैं, सभी ने भरपूर मेहनत की। प्रदेश से भी कई कार्यकर्ता कर्नाटक गए चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए, तो एक स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होता है पार्टी कार्यकर्ताओं का, चुनाव किसी स्टेट्स में हो जुड़ाव होता है। अगर परिणाम सुखद नहीं हो तो थोड़ी मायूसी तो होती है, लेकिन मायूसी का दौर लंबा नहीं चलता क्योंकि कार्यकर्ताओं को पता है कि जीत हार लगी जाती है लोकतंत्र में, तो हम फिर मुकाबले के लिए मैदान में होंगे। नहीं, वो तो ठीक है, जीत हार लगी रहती है, लेकिन इस बार बजरंगबली भी चुनाव में कहीं ना कहीं नजर आए, बैन करने की बात हुई, आप लोगों ने कहा कि बजरंगबली हमारे साथ है, तो ये नतीजा कई चीज़ों को देखता है, आरक्षण की बात हुई धर्म के आधार पर, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो रणनीति थी वो काम कर गई और आप लोग कहीं ना कहीं चूक गए? देखिए कर्नाटक जैसे स्टेट्स में एक ट्रेंड है कि 5 साल के बाद वहाँ के मतदाता बदलाव की ओर जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर दूसरी बार हम सत्ता में आते हैं तो इस राज्य को हम काफ़ी आगे ले जाएंगे विकास के मामले में, लेकिन अब लोगों को लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को मौका देना है, तो मतदाता जो होता है लोकतंत्र में वो सर्वोपरि होता है, उसने जो फैसला किया हम उसको स्वीकार करते हैं। कहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका असर तो देखने को नहीं मिला, और आने वाले 2024 के माना जा रहा था, क्योंकि दक्षिण में ये बड़ी जीत है, कांग्रेस की बड़ी जीत है और आपकी एक बड़ी हार है, तो दक्षिण का जो की जो राजनीति है 2024 के ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? देखिए विधानसभा का चुनाव जो होता है काफ़ी स्थानीय स्तर पर भी होता है, कई फैक्टर्स रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि उन मुद्दों को हम एड्रेस नहीं कर पाए जो वहाँ के मतदाता सुनना चाहते थे, या फिर हमारे सरकार से कुछ गलतियाँ हुई होंगी जो मतदाताओं को ऐसा लगा हो कि इनकी जो जवाबदेही थी उसके विपरीत हो गई, इसलिए इस तरह के फैसले। चलिए आखिरी सवाल है, झारखंड के मद्देनज़र इन चुनावों को आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए झारखंड में अभी समय है और जब चुनाव परिणाम हमारे खिलाफ आता है तो निश्चित रूप से जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक बार विचार विमर्श जरूर करता है, रणनीति में कौन से बदलाव होने चाहिए, कहाँ चूक हो गई हमसे, कौन से मुद्दे हमसे मतलब जो मुद्दे जनता के थे उसको हम समझ नहीं सके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसपे नेताओं को ही ध्यान देना होगा। चलिए आपने अपनी हार स्वीकार की, ये अच्छी बात है। तो ये थे प्रदीप सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और अब चुनावों का आकलन होगा, समीक्षा होगी और देखा जाएगा कि कहाँ चूक हुई। सहयोगी रितिक के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार रांची।